बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के चप्पल और थप्पड़ कांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सरकार की घड़ियां उड़ रही हैं, इन्हीं के अपने लोग इस सरकार की घड़ियां उड़ा रहे हैं। आज इन्हीं के लोग उड़ा रहे हैं, कल जनता भी करेगी। ये बहुत सरकार का एक काम करने का प्रतिबिंब है। एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री, देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के कार्यकर्ता जाकर पीट कर आएंगे, बेइज्जत करके आएंगे? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची? इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं। गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तो बता दें कि भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने यहां शुक्रवार को हिसार के बाल संबंध में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह को पहले थप्पड़ मारा और फिर चप्पलों से पीटा। दोनों ही घटनाओं के वीडियो भी हमने आपको दिखाए जो कि सोशल मीडिया पर बेहद वायरल भी हुए हैं। सोनाली फोगाट का कहना है कि मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अप शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से उन्होंने उसकी पिटाई कर डाली। तो अब जब सेक्रेटरी से बातचीत की गई तो सेक्रेटरी ने भी सभी आरोपों को झूठा बता दिया है और अब जो सेक्रेटरी है उसने सोनाली फोगाट के खिलाफ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत भी दी है। तो पूरी तरीके से जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखी जा रही है। बताते चले कि दरअसल बाल समन में पिछले दिनों गेहूं और सरसों खरीद के लिए एक अस्थायी मंडी बनाई गई थी और अब यहां शेड बनाने को लेकर बात चल रही थी। मार्केट कमेटी का कहना था कि उनके पास बजट है, वो शेड बनाने के लिए तैयार है। शुक्रवार को मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं सुल्तान सिंह और जो दूसरे कर्मचारी हैं भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट, उनके कार्यकर्ता बालसमंद पहुंचे और यहां सोनाली ने विवाद होने पर इस सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद चप्पलों से भी पीटा, जिसकी तस्वीरें भी हमने एक के बाद एक आपको दिखाई। दोनों वीडियो जो है वो हमने आपको दिखाई। तो बता दें कि सोनाली का कहना है कि वो बाल संबंध मंडी में सेक्रेटरी और अन्य लोगों के साथ आई थी और शेड लगाने की बात की गई थी, निरीक्षण करने गई थी। हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या बात है सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के नोट कर लिए। मैं सेक्रेटरी मार्केट चलाती हूँ।